الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلاة الله छब्बीसवें पारे में सूरह मुबारका जिसका नाम ही पहली आयत की मुनासिबत से सूरह फतह है। बिस्मिल्लाह के बाद पहली आयत का पहला जुज़ ये यकीनन हमने आपको खुली हुई फतह इनायत की। जब हम फतह और शिकस्त का नाम सुने तो फौरन ज़हन जंग की तरफ जाता है। और अब चूंकि पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब करके ये इरशाद हो रहा है तो हम ग़ज़वात पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखने लगेंगे कि कौन सा ऐसा अहम गज़वा और बड़ी जंग ऐसी है कि जिसकी फतह को खालिक ने यूं इरशाद फरमाया है कि हमने आपको खुली हुई फतह इनायत की। अब जब जंगों को देखेंगे और उसके सूरत हाल पर गौर करेंगे तो हमें मुख्तलिफ वजूह मुख्तलिफ एतबार हैसियतें महसूस होंगी जिसकी वजह से कि कई जंगें ऐसी हमें मिलेंगी कि उसकी फतह को हम मुबीन बहुत नुमाया फतह समझें। यानी असबाब वो जिनकी वजह से कि कोई फतह नुमाया तौर से काबिल ज़िक्र हो हमारे समझ में जो जो आ सकते हैं उनके पैमाने पर उनके लिहाज से ये समझेंगे कि यही फतह वो हो सकती है जिसको खालिक करीम इरशाद करे कि खुली हुई फतह। अब पहला सबब पहली हैसियत जिसके सबब से के फतह को बहुत नुमाया किया जा सकता है और जिसको खालिक अपने एहसान ख़ास के तौर पर बयान फरमाए वो ये है कि असबाब फतह कोई न हो। और असबाब फतह वाबस्ता होते हैं सामान्य जंग से। तो जब सामान्य जंग कोई नहीं तो इसके मानी है कि असबाब फतह कोई नहीं।
अब असबाब फतह के न होते हुए फिर भी नतीजे में फतह हो जाए तो समझ में ये आता है कि बिल्कुल ये महल हो सकता है कि खालिक इरशाद फरमाए कि हमने आपको ये नुमाया फतह इनायत की, यानी ज़ाहरी असबाब से तो कोई उम्मीद फतह की नहीं की जा सकती थी, ये सिर्फ हमारा फजल व करम था और हमारी तायीद थी कि हमने फतह अता कर दी। तो इस मेयार पर सबसे पहली जंग यानी जंग बद्र करार पाती। जंग बद्र में असबाब जंग क्या मौजूद थे, तादाद लश्कर 313 अदद और मुकाबला तकरीबन 1000 का। और ये 313 उनमें असलहे जंग कितने, सिर्फ 13 अदद तलवारें, इसको जब ये जिक्र आएगा किसी भी मौजू के तहत में हो तो ये नुमाया पहलू है। मैं उसे अर्ज करता हूँ कि इकाइयाँ सिर्फ जो हैं वो मुसल्ला हैं, और सैकड़े जितने हैं वो सब गैर मुसल्ला। जो निहत्ते का हथियार हो सकता है, किसी के हाथ में शाख खुरमा है, किसी के हाथ में एक लकड़ी है, जो जिसको बना, और बाकी सिर्फ 13 आदमी हैं कि जिनके पास तलवारें, और पूरी फौज में 13 अदद हो गए हैं। मैदान जंग की सवारी अरब में घोड़ा था, ज़माने अमन की सवारी ऊँट था, तो ऊँट होंगे लेकिन ये के घोड़े पूरी फौज में सिर्फ 2 अदद घोड़े। तो मैंने शायद अभी भूले से 13 कह दिए, 13 तो तलवारें थी, सिर्फ 2 अदद घोड़े। तो ये कोई सामान्य जंग होता है? और वो तो जंग हो गई और नतीजे में फतह हुई, इसलिए इसे फौज इस्लाम कह लीजिए, वरना ऐसी जमात कोई फौज कहलाती है? अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी औसत दर्जे की मजलिसें उसमें 313 से ज्यादा आदमी होते हैं, तो क्या इस तादाद और इससे ज्यादा के होने से फौज हो जाती है? इस्लामी जमात कह लीजिए, वो किसी अंजुमन का ये नाम नहीं है, जो लुगत का मफहूम है उस लिहाज से अर्ज कर रहा कि ये एक जमात है मुसलमानों की, इसको आप फौज क्यों कर कह सकते हैं? तो अब जिसके पास ये सामान हो, उधर 1000 मुकम्मल तौर से मुसल्ला, अब उम्मीद फतह कोई हो सकती है? अब इसके बावजूद भी फतह हो, तो वो यकीनन इसकी हकदार होगी कि खालिक इरशाद फरमाए कि हमने ये खुली हुई फतह इनायत की। अब वो जिसके हाथ से हो, और कुरान मजीद ने कहा है कि इसमें इस जंग में फिरिश्ते भी भेजे गए थे, और वो फिरिश्ते फकत यूं ही तसल्ली के लिए नहीं आए थे बल्कि
जंग करने आए थे और जंग की उन्होंने, और वो बगैर खुमरेजी से बचने वाले ऐसी की। माशाल्लाह रफ्ता रफ्ता लोगों का जहन मुंतकिल हुआ। उसको खालिक इरशाद फरमाए कि इन्ना फतह ना लगा फतह मुबीना। बिल्कुल सही है। अब इसके बाद वहद की लड़ाई, अब एक दूसरे हैसियत फतह के नुमाया होने का दूसरी हैसियत, वो हैसियत यह है कि जहां लड़ाई बिगड़ चुकी हो, शिकस्त हो चुकी हो और उसके बाद नतीजे में फतह हो जाए, तो क्या वो इसकी मुस्तहिक नहीं है कि उसे खालिक कहे कि हमने ये फतह इनायत की, और इस महल पर खालिक अगर ये अल्फाज कहे कि हमने फतह इनायत की, तो इसमें मुसलमानों के किरदार पर एक तंज भी हो सकता है कि तुमने तो शिकस्त खाने में कोई कसर उठा नहीं रखी थी। ऐसा किए और आगे बढ़िए, जो तरतीब तारीखी है उस लिहाज से अर्ज कर रहा हूँ। गजावात बड़े बड़े हम जो हैं तो वो इसके बाद है जंग खंदक। तो जंग खंदक में तो बस वो एक जंग है दस्त बदस्त वाली, यानी ये हकीकत है तारीखी कि इतनी बड़ी लड़ाई लेकिन उसमें और कोई जंग हुई ही नहीं है, सिर्फ वो दो पहलवानों की, बकुल्ले ईमान और कुल्ले कुफ्र, दो फर्दों की जंग है जिसको जंग कहते हैं आप। तो अब ये जब खालिक ने उसे, अब इस हैसियत से देखिए कि वो सूरमा जिसे खालिक ने कुल्ले कुफ्र कह दिया, अब जब उसे शिकस्त हुई तो इसके मानी ये हैं कि मुकम्मल शिकस्त हो गई, और ये वाकया है कि वो दुनियाए कुफ्र से ये सब लड़ाइयाँ हो रही थी, उस दुनियाए कुफ्र से इस जंग खंदक के बाद फिर कोई मुकाबला नहीं हुआ, यानी वो मक्के के मुशरिकीन से। इसके मानी है कि वो मुकम्मल शिकस्त खा गए इस मैदान में, क्योंकि ये आखिरी कोशिश थी उनकी कि हम तनहा तो सरबर नहीं हो सकते, जितने हमारे हम ख्याल हैं मुखालफत इस्लाम में सबको अपने साथ ले के मुकाबला करें, यह आखिरी कोशिश थी, और इसीलिए उसका नाम है जंग अहजाब। अहजाब हिजब की जमा है, हिजब के मानी पार्टी के हैं, तो इसलिए आजकल की जबान में जंग अहजाब का तर्जुमा हुआ ऑल पार्टीज जंग। तो इस जंग के मुकाबले ही को समझना चाहिए कि वो मुकम्मल फतह और शिकस्त का सवाल था, यानी आज या उनकी मुकम्मल फतह है और या मुकम्मल शिकस्त है, तो न शिकस्त हुई तो वाकई वो मुकम्मल ही साबित हुई। तो इस महल पर खालिक करीम फरमाए कि इन्ना फतहना लका फतह मुबीना, हमने आपको खुली हुई फतह इनायत की, मुख्ततम फतह है ये, तो उसे फतह मुबीन कहे। अच्छा और आगे बस चलिए
अब उसके बाद खैबर है, तो जंग खैबर में तो पैगंबर ने उस नतीजे जंग को फतह कहा है, इरशाद पैगंबर में लफ्ज फतह मौजूद है। वही हदीस रायत, वो मुसलसल शिकस्तों के बाद एक दिन दो दिन तीन दिन मुसलसल जो शिकस्तें होती रहीं, अब उन मुसलसल शिकस्तों के बाद जो कामयाबी हो यही काफी है फतेह मुबीन कहे जाने के लिए। और इसीलिए पैगंबर ने हदीस में यही लफ्ज इरशाद फरमाई कि जब ये मुसलसल शिकस्तें हुई तो आपने फरमाया कि लऊतीन्नर रायता गदन, सिहाय सित्ता की हदीस और सिहाय सित्ता में असर हो सिहा सही बुखारी, उसकी हदीस है इसलिए उतनी ही लफ्जें पढ़ूंगा जितनी सही है बुखारी में, चाहे आपको हिफ्ज़ हों इससे ज्यादा लफ्जें। वो लफ्जें जो सही है बुखारी में हैं, जो न मालूम कितने दिरायत और रिवायत और मसलहत के छाजों में छन के हदीस आई, यहां तक तो आप ही के वाले अल्फाज हैं, लौतीन रायता गदन रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहु यफ्तहुल्लाह अला यदै, कल मैं उसे अलम दूंगा। उमूमन ज्यादा जोर सर्फ किया जाता है बाज के अल्फाज पर, जो बाज मैंने नहीं भी पढ़े और न आखिर तक पढ़ूंगा, वो याद है आपको, तो जोर उस पर दिया जाता है। लेकिन मुझे तारीख खमीर दियार बकरी में एक हकीकत का इंकशाफ हुआ जो मैंने तारीख इस्लाम में लिखी, तो वो यह है, वो आम किताबों में नहीं है ना आम तौर से उसका जिक्र होता है, वो ये कि इस जंगे खैबर में जो हमेशा जंग करने वाली हस्ती थी उसे भी खालिक ने अपने इंतजाम से माजूर बना दिया जंग में शिरकत से। वही आशो बेचक, और जो हस्ती जंग की जिम्मेदार पर थी यानी पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही जो है जो आमतौर से उसका तज़किरा नहीं हुआ करता है कि जो यानी पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदूद खैबर में पहुंचते ही हजरत को दर्द शकीका की तकलीफ इतनी पैदा हुई सख्त कि कई दिन तक हजरत खेमे से बाहर तशरीफ नहीं लाए। ये इंतजाम कुदरत है, हर एक से मैं पूछता हूं और पूछने का हक रखता हूं कि मरज और सेहत
खुदा के अलावा किसी और के हाथ में। मर्ज और सेहत का अता करने वाला तो खुदावंद आलम है। जब तक के अपने हाथों को यजबाब ना होते हैं बाज लोगों की बीमारी के, वरना मर्ज और सेहत सिर्फ अल्लाह के हाथ में। कुरान मजीद में केजा मरज को जब बीमार होता, सूरह नरिम में है कि वो मुझे बीमार डालता है और मुझे सेहत देता है। तो मर्ज और सेहत उसके हाथ में और रसूल के इल्म गैब में बहस हुआ करे। मुझे मालूम है कि बड़ी बड़ी बहसें हैं, मुनाजरे तक होते हैं आलम इस्लाम में इस बहस पर। तो रसूल के इल्म गैब में सब बहस है, अल्लाह सुबहानहु के इल्म गैब में तो बहस नहीं है। तो मैं कहता हूं कि मर्ज और सेहत उसके हाथ में, और वो जब बीमार डाला है तब नहीं जानता था कि हमें फिर इसे सेहत देना पड़ेगी। तो कौन इसका तसव्वुर कर सकता है? तो फिर मानना पड़ेगा कि बीमार डालना किसी मसलहत से था, क्योंकि रसूल पर आमतौर से लोग ये एतराज करते थे कि हर जगह एक ही को आगे बढ़ाते हैं। सही और सालिम होते हुए ये मैदान जंग में न जाएं, ये इनकी बुलंदी किरदार के खिलाफ है, इनकी फर्शनासी के खिलाफ है। लिहाजा जरूरत है कि वो बीमार डाले ताकि इनकी बुलंदी किरदार पर हरफ ना आए। तो इसलिए वो जरूरत समझता है कि इन्हें बीमार डाले, मैदान खाली छोड़ दे ताके ताले आजमाओं को किस्मत आजमाई का मौका मिले। लेकिन बावजूद के और तारीखों में तबरी राज मुजमर है। जिस मसलहत से उनको बीमार डाला उसी मसलहत से इनको दर्द शकीका में ऐसा मुब्तला किया कि घर से बाहर ना आए, वरना ये अलम ऐसे उनको दें जिसका वो नतीजा हो। तो जिम्मेदार है शिकस्त ये है, उसे अपने नबी के दामन किरदार को भी बचाना है, अपने वली के भी दामन किरदार। लिहाजा पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पूरे तौर से कयाम भी नहीं होने पाया था, एक ऐसे तकलीफ में मुब्तला हुए कि हजरत खैमे से बरामद नहीं हुए।
यानी बिल्कुल मैदान खाली हो गया। अब मानी समझ में आते, तीन दिन के बाद तकलीफ हुई जब नतायज सामने आ गए तो इतनी तकलीफ हुई कि हजरत चौथे दिन बरामद हुए, और अब बरामद हुए तो सूरत हाल मालूम की तो मालूम हुआ कि वो इस दौरान में तो माशा अल्लाह जिहाद होने लगे। देखिए बगैर इतने मासूम जिहाद है तो ये अंजाम हुआ। माशाअल्लाह जिहाद हुए और ये नतायज हुए। अब रसूल को कितना सदमा हुआ, यानी शिकस्त तो आपके पायनाम हो गई दुनिया तारीख में, तो जमात की शिकस्त सरबरा की शिकस्त है। जैसे बाद में फौजें गईं और फतह का सेहरा भेजने वाले के सर बंधा, तो ये तो होता ही है। तो जनाब वाला ये दामन इस्लाम पर गर्द शिकस्त पड़ी, परचम इस्लाम पर गुबार शिकस्त आया, ये सब कुछ हो गया तो रसूल को कितना सदमा हो। तब आपने ये फरमाया, और इसीलिए मैं अब फिर हदीस पढ़ता हूँ आखिर के अज्जा पर मैं जोर नहीं देता, मैं कहता हूँ रसूल फरमाते हैं लौतीन रायता गदन, मैं कल उसको अलम दूंगा, यानी अभी तक मैंने तो दिया ही नहीं था। उसको ईश्वर तशरीह करना नहीं है क्योंकि फिर असल मेरा मौजू रह जाएगा और उसके बाद आखिर के जुज को बस नुमाया करूंगा इब्तिदा को, और आखिर में फरमाया उसे दूंगा। अब अल्फाज बुखारी के मानिए कि उसे दूंगा जिसे अल्लाह और रसूल दोस्त लगता है, और वो अल्लाह और रसूल को दोस्त लगता है, और यफ्तहुल्लाह ना इसके अलावा दूसरी लफ्जें हदीस में यूं कि ला यरजिउ हत्ता यफ्तहुल्लाह अला यदे। बहरहाल फतह की लफ्ज रसूल की जबान पर आई कि ला यरजिउ, वो नहीं पलटेगा जब तक के अल्लाह उसके हाथ पर फतह दे न दे। हत्ता यफ्तहुल्लाह अला यदे, वो नहीं पलटेगा जब तक अल्लाह उसके हाथ पर फतह न दे। मैं यहाँ बारगाह रिसालत में एक सवाल करूंगा कि हुजूर पलटना और न पलटना दूसरे के काम के जिम्मेदार क्यों करो? सवाल ही है जो हकीकत में महल के लिहाज से गलत है, मगर उससे बेहमदिल्ला आप लोग महसूस हो गए। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि दूसरे के फेल का आदमी जिम्मेदार नहीं होता, या आप कैसे फरमा रहे हैं कि वो नहीं पलटेगा? अब रसूल का जवाब, मेरा दिल उस जवाब की रिवायत कर रहा है कि जैसे मैंने और पैगंबर ने जवाब दिया कि खामोश रहे, बेशक दूसरे के फेल का जिम्मेदार नहीं हो सकता, मगर क्या अपने नफ्स के फेल का भी?
पैगंबर ने फरमाया कि वो नहीं पलटेगा जब तक फतह न कर ले, और वही हुआ, और तो अब उसके फतह होने में शक क्या है। और अब खालिक उसे फरमाए कि हमने, और पैगंबर ने भी तो अल्लाह ही को फातह करार दिया था, उन्होंने भी फरमाया यफ्तहल्लाह अला यदै, अल्लाह उसके हाथ पर फतह इनायत करे। तो ये रसूल ने भी यूं ही फरमाया है, तो अगर अल्लाह कहे कि हमने ये फतह आपको दी है तो गलत क्या है। मालूम होता है हर जंग में मैंने कहा हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, यानी हर जंग ऐसी है कि अगर उसे कहा जाए कि यहाँ ये आयत उतरी तो बिल्कुल चश्मा है, बिल्कुल सही है, मगर अब इसे क्या किया जाए कि न ये आयत जंगे बदर के बाद उतरी है, न ये जंगे उहद के बाद उतरी है, न ये जंगे खंदक के बाद उतरी है, न ये जंगे खैबर के बाद उतरी है, किसी इस जंग के बाद ये नहीं उतरी है, ये आयत सुलह हुदैबिया के मौके पर उतरी, जिसे दुनिया शिकस्त समझ रही थी। ये दुनिया से क्या मतलब था, यानी साहिबुर राय आपस के लोग, वो उसे इंतहाई शिकस्त समझ रहे थे, तो उस वक्त ये आयत उतरी इन्ना फतहना लका फतह मुबीना, हमने आपको खुली हुई फतह इनायत की, और इसलिए अब ये हकीकत है जो मुस्नद उलमा इस्लाम ने लिखी है कि पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये सूरा उतरा और उसकी पहली आयत ये, तो जो अफराद उस वक्त बहुत चढ़ के आया के पैगंबर से मुस्तरिबाना सवाल कर रहे थे जो सिहाह में दर्ज हैं, तो उन्हीं को बुला के रसूल ने ये आयत सुनाई कि देखो ये आयत उतरी है। तो अब उन्होंने हैरत से कहा अच्छा यूं भी फतह होती है, हैरत से ये अल्फाज उनके आते हैं कि हाकजाए कौन फस यूं फतह होती है। पैगंबर ने फरमाया मैं क्या करूं, वो कह रहा है और इसे मैं मुश्तरक मजमू में, वहां के मुश्तरक मजमू में, और वहां जो मुश्तरक मजमू के माने हैं वो साहब सब समझ सकते हैं कि उसमें मैं कहता हूं कि अब दुनिया इस हकीकत को समझे कि कुरान मैदान जंग की फतह को फतह मुबीन नहीं कहता, मैदान अमन की फतह को फतह मुबीन। सलावत भेजिए बल्लाह। और वो ऐसे शराइत पर मुसालहत जिसे सब समझ रहे थे कि पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दब कर सुलह कर ली, और उसे उसके नतीजे को खालिक इरशाद फरमा रहे कि हमने खुली हुई फतह इनायत की, जो बाद में सिर्फ कुरान के दबाव से अब मजबूरन मानना है मुसलमानों को, वरना समझ में तो जब पहले नहीं आया तो एकदम से क्या समझ में अब आ जाएगा। मगर चूंकि अब रसूल फरमा रहे खुदा ने कहा, तो अब अकीदा रिसालत भी है, कुरान पर ईमान का मुजाहरा भी, बगैर इसके इस्लाम हो नहीं सकता, तो अब मानना तो है चाहे जाने या नहीं।
कभी जानते हैं मानते नहीं, कभी मानते हैं जानते हैं। लोगों की समझ में उस तरह इस तरह की सुलह का फतह मुबीन होना रसूल के अमल में ना आया हो तो वो हसन मुश्तबा की सुलह को क्या समझ सकते हैं कि हसन मुश्तबा ने उस सुलह के साथ कैसी फतह हासिल की। अब ये एक मुस्तकिल मौजू है और एक साल कहीं किसी मजलिस में बयान हुआ था, लेकिन ये कि इस वक्त तो मौका नहीं, फिर किसी दिन, मगर अब सिर्फ एक शर्त के मुताबिक इस वक्त तबसरा कर दूंगा वरना फिर आगे नहीं बढ़ सकूंगा कि इन्होंने जो सुलह की है, मैं कहता हूं कि अल्फाज सुलह से को सिर्फ कोई देखे तो समझेगा कैसी शानदार सुलह है कि पहली शर्त यह है कि अमीर शाम को किताब और सुन्नत के मुताबिक अमल करना होगा। मजमे में माशाल्लाह कानूनदान हजरात कसरत से होंगे, मैं चाहे पहचानता नहीं होंगे, वकला भी होंगे, बैरिस्टर भी होंगे, मुमकिन है कि वो हजरात भी हों जो खुद कुर्सी है अदालत पर हैं, तो वो सब हजरात गौर करें जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सुलोनामा एक तरफ की दस्तावेज नहीं होती, दोनों तरफ की होती है, यानी कातिब सुलोनामा दोनों फरीक होते हैं। तो अब जो अल्फाज इन्होंने दर्ज किए हैं और जिसको माना है, और कोई कहे इसकी क्या दलील के माना, मैं कहता हूं कि इसकी दलील ये कि सुलह हो गई। तो उसमें ये अल्फाज दर्ज हो रहे हैं और एक और पहलू कानून था हजरात के गौर करने का, और वो ये कि सुलह नामे के शराइत में वो चीजें दर्ज होती हैं जो बिना मुखासमत से ताल्लुक रखती हों। तो पहली शर्त रख के इन्होंने हमेशा के लिए इसका इजहार कर दिया कि हमारी निजा हुकूमत शाम से न जाती है न खानदानी। अब अगर कभी जंग भी हो जाए तो उसे खानदानी न कहना। तो ये शर्त से हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इसको नुमाया कर दिया और मनवा लिया, और इसके साथ साथ एक दूसरी बात भी वो लाजमिन इससे निकलती है कि इसका मतलब यह कि अब तक जो हो रहा है किताब और सुन्नत के खिलाफ है, वरना हुकूमत के शाम को इनकार कर देना चाहिए था कि क्या अब तक हम किताब और सुन्नत पर अमल नहीं कर रहे हैं। उनका शर्त को बरकरार रखना इसके माने मान लेना कि अब तक जो कुछ हो रहा है किताब और सुन्नत के खिलाफ है। अब कितनी किताबें लिखी जाएं इसके सबूत में कि वो तो सब किताब और सुन्नत के मुताबिक था, लेकिन अब खुद साहिब मामला मान रहा है तो दुनिया को क्या हक है अब उसके खिलाफ तसव्वुर करने का। तो इन्होंने सुलह ऐसे शराइत पर की है और इसके बाद दुनिया कहे कि शिकस्त हो गई, और फिर जब दुनिया की समझ में उस सुलह वाली फतह ना आती हो और इस सुलह में फतह उसकी समझ में ना आए तो भला करबला में उसकी समझ में क्यों कर आ सकता है।
और इसलिए यानी हमारे अपराध भी हो, ये मैं दो एक नहीं है, शायद उमूमन ये अल्फाज हमारे यहां भी आते हैं कि करबला की जाहिरी शिकस्त नतीजे में फतह थी, जाहिरी शिकस्त तस्लीम, मगर ये जाहिरी शिकस्त नतीजे में फतह थी। अब एक दुनिया है जो बात के नतीजे का भी तो सब नहीं कर, मगर मुझे तो जाहिरी तौर पर भी शिकस्त होने से इनकार है। मैं कहता हूं फतह के माने किसी लुगत में कत्ल कर देना नहीं है, और शिकस्त के माने किसी लुगत में कत्ल हो जाना नहीं है। फतह के मानिए कामयाब होना, शिकस्त के मानिए नाकाम होना। और ये काम फारसी लफ्ज है, हमारा जबान में उर्दू में काम जो है वो तो कार के मानी में है, लेकिन फारसी में काम के मानी मकसद के हैं। कामरा कामयाब, इसके मानिए मकसद को हासिल करने वाला। तो कामयाबी यानी मकसद क्या हासिल कर लेना, और नाकामी यानी मकसद को हासिल न कर सकना। तो अब कामयाबी या नाकामी के समझने के लिए जरूरत होगी कि यह देखा जाए कि यजीद का मकसद क्या था और हुसैन का मकसद क्या था। अब इसे ने मकसद क्या हासिल कर लेना, और नाकामी यानी मकसद को हासिल न कर सकना। तो अब कामयाबी या नाकामी के समझने के लिए जरूरत होगी कि यह देखा जाए कि यजीद का मकसद क्या था और हुसैन का मकसद क्या था। अब इसे भी समेट के बातें कहूंगा, वरना फैला के कहूं तो ये जुज ही इतना है कि कई मजलिसों के बराबर है। मैं अर्ज करता हूं कि हुसैन और यजीद में अगर ये जंग होती कि यजीद इनको मार डालना चाहता था और ये महफूज रहना चाहते थे, तो बेशक वो कामयाब हुआ, तो उसने मार डाला, ये नाकाम हुए, कत्ल हो गए। लेकिन ये जंग कब थी कि वो जान लेना चाहता था और ये जान बचाना चाहते थे। असल जंग तो ये थी कि वो बयत लेना चाहता था और ये बयत नहीं करना चाहते थे। अब अगर यजीद बयत ले ले तो कामयाब। इख्तिसार के साथ बहुत मुख्तसर राहों से नतीजे तक पहुंच के जब मैंने हर मुखातब को अपने इस नुक्ते तक पहुंचा दिया जिससे इनकार कर ही नहीं सकता, यानी वो ये नहीं कह सकता कि यजीद बैत लेना नहीं चाहता था और ये बैत से बचना नहीं चाहते थे। वो ये नहीं कह सकता कि वो बैत ले सका। इनमें से कौन बात है जो कोई इंतहाई धांधली करने वाला भी कह सके। इनमें से हर बात इतनी बड़ी ही तारीख की हकीकत कि जैसे दो दो का मजमुआ चार, कि जिससे पूछा जाए यही जवाब वैसे ही
इन सवालों का जवाब कि किसी भी नुक्ते ख्याल का हो उसे ये जवाब तो देना जरूरी है कि वो बैत अब यूं तो मेरा मकसद अभी ही हासिल हो गया, मगर अब जरा सा आगे बढ़ाऊंगा कि अब इसे भी देखना चाहिए कि वो बैत क्यों लेना चाहता था और ये बैत से बचना क्यों चाहते थे। और यही एक और सवाल का जवाब है कि दुनिया कहती रही और इस वक्त बड़े जोर शोर से कह रही है और खुसूसन आपके आसपास ज्यादा जोर से कहा जा रहा है, हम तो दूर से आवाज सुन रहे हैं। देखिए बड़े जिद्दी थे कि ये सब कुछ हो गया और इनका इनकार कायम रहा, ये क्यों आखिर ये इतना गुस्सा है, एहसास है कि बैत न करने से हमें शिकस्त हुई। इसलिए गुस्सा है ये बैत न करने का। बड़े जिद्दी थे, बड़े जिद्दी थे, अब ये जिद भी मुस्तकिल मौजू है, इस वक्त नहीं पूरी अब करना है, मगर मैं कहता हूं कि आखिर यही क्यों पूछा जाता है कि इन्हें इतना इनकार बैत से क्यों था, इसे क्यों नहीं आप पूछते कि यजीद को इतना इसरार बैत का क्यों। यजीद को इतना इसरार क्यों था जब तमाम मुल्के अरब मान रहा था, तमाम आलम इस्लाम मान रहा था, और अब ये वहां की बात याद आ गई आप ही के यहाँ मोची दरवाजे में जो अली डे हुआ था, ये जुज वहां भी आ गया था कि मैंने वो तमाम हर तबके के उलमा इस्लाम मौजूद थे, वो तो जो हजार देखे में हैं उसको कि माशाल्लाह जितना तूल इस मजलिस के एक दो तिहाई हिस्से का है इतना तो बड़ा महा स्टेज था कि उस पर हर फिरके के उलमा इस्लाम मौजूद थे और मशायख मौजूद थे और हर तबके के नुमाइंदे थे। तो वहाँ मैंने ये जुज कहा था, वो एक और पस मंज़र में कहा था कि इस वक्त तो इस वक्त के मुसलमानों को ताज्जुब होगा कि यजीद ऐसे शख्स को उस वक्त तमाम आलम इस्लाम मान रहा था, तो उन्हें शक होगा इसके सेहत में। तो मैं कहता हूँ इसका बदी सबूत यह है कि अगर सब न मान रहे होते तो तारीख ने शुमार करके क्यों बताया होता कि कैसे नहीं माना। ये शुमार करके तारीख का बता देना इसका सबूत है ये सब मान रहे थे। तो जिसकी हुकूमत को सब मान रहे उसकी हुकूमत को चार पांच दस बीस आदमी न माने, और वो भी ऐसे जो इबादत गुजार हैं, शब जिंदादार हैं, गोशों में रहते हैं, वो अगर न माने तो सल्तनत यजीद का क्या बिगड़ता था, जो पूरी ताकत सर्फ हो गई उसकी इनसे बैत के तलब करने में। तो हकीकत में यजीद जानता था कि हुसैन एक आम फर्द अरब नहीं है, ये उस इस्लाम के नुमाइंदे हैं जिसके नाम पर मैं हुकूमत कर रहा हूं। और मेरे अफाल खुल्लम खुल्ला निजाम इस्लामी के खिलाफ हैं। तो अभी हवा चली हुई है
मगर क्या माने इख्तदार का शिकंजा ढीला हो और हुसैन का अलग रहना, ये फिर बहुत से मुसलमानों के लिए मरकज़ तवज्जो बन जाए। तो जब तक हुसैन ने बैत नहीं की है उस वक्त तक सल्तनत की राह में शरीयत का महाज कायम है। और जिस दिन हुसैन बैत कर ले तो हमेशा के लिए सल्तनत की राह से शरीयत हट जाएगी। इसलिए पूरी ताकत सर्फ हो रही थी हुसैन से बैत लेने पर। अब ये तो बहुत समझदार मजमा है, बहुत कम समझदार मजमा हो या ना समझ हो तो मैं उससे भी ये सवाल करने का हक रखता हूँ, इतना तो वो भी समझ ही लेगा कि मैं कहता हूँ कि यजीद हुसैन को समझता कि ये कौन है और हुसैन अपने को न जानते कि मैं कौन हूँ। हुसैन और यजीद की जंग नहीं है, ये सल्तनत और शरीयत की जंग है। अब अगर इसके बाद शरीयत ने सर झुका दिया हो हमेशा के लिए सल्तनत के सामने तो यजीद को फतह हुई, और अगर इस वक्त भी और यकीनन उम्मीद यह है कि आज से हजार बरस बाद भी शरीयत बहरहाल कायम रहेगी और ये इनकलाब हो सकता है कि सल्तनतें शरीयत के सामने सर झुका दें, मगर इंशाल्लाह ये इनकलाब नहीं हो सकता कि शरीयत सल्तनत के सामने सर झुका दे। अरे किसी फर्द का सर झुकना और बात है, हो सकती है कि जो वाकई जिम्मेदार तौर से नुमाइंदे शरीयत तो ये दर हकीकत शरीयत और सल्तनत की जंग थी। और अब फिर जब क्योंकि वो याद आ ही गया लिहाजा फिर एक बार वहां की उस हुसैन डे की याद आ गई कि मैंने अब जरूरत हुई कि तमाम उलमा इस्लाम को फिर मैं गवाह करूं और कहूं कि इनमें से जिससे चाहे पूछ लीजिए कि यजीद से पहले हर तख्ते हुकूमत इस्लाम पर बैठने वाले का अमल जुज़्वे शरीयत जम्हूर में बनता रहा, लेकिन यजीद के बाद से किसी हुक्मरान का अमल जुज़्वे शरीयत नहीं बन सका। हुसैन ने सिर्फ उस यजीद के मुकाबले में फतह नहीं हासिल की जो एक खास बाप का बेटा और एक खास दादा का पोता था और एक खास मुल्क के तख्त सल्तनत पर बैठा था,
बल्कि हुसैन ने जो फतह हासिल की है वो कयामत तक के हर यजीद के मुकाबले में। बस अब ये कोई हुसैन डे या यादगार हुसैनी का जलसा तो है नहीं कि यहीं पर मैं बयान को ख़त्म कर दूँ तकरीर को। अब ये तो है मजलिस, तो अब मैं कहता हूँ जो एक दिन कहा था वो एक दिन मुजमल तौर से कहा था कि देख के नतीजा निकाले आदमी। आज कुछ मकसद पर रोशनी डाल के मैं कह रहा हूँ कि इतना ही बड़ा मकसद तो था जो ऐसी कुर्बानियाँ पेश की। किसी मामूली मकसद की खातिर ये कुर्बानियां थोड़ी पेश की जा सकती हैं। और इसीलिए मसाइब में तो वही लफ्ज़ें भी कहूँगा जो उस दिन कही थी कि अली अकबर की जवानी ऐसी न थी कि किसी मामूली मकसद की खातिर दे दीजिए। अब्बास का शबाब ऐसा न था कि किसी मामूली मकसद की खातिर दे दिया जाए। आसिम ऐसे यतीम भतीजे की कमसिन सूरत और जिंदगी वो ऐसी न थी कि किसी मामूली मकसद की खातिर दे दी। और अरबाब अज़ा सबसे आखिर में जो कहना है वो कह दूं कि ज़ैनब की चादर ऐसी नहीं। मामूली मकसद की खातिर दे दीजिए तो तलख हकीकत है लेकिन दर्द दिल है कि चाहे कनीज़ान फातिमा की नज़र में उस चादर की अब कोई वक़्त न रही हो लेकिन उस चादर की कीमत इतनी थी कि हुसैन ने अपने को खतरे में डाला है उस चादर की हिफाजत के लिए। और बाब मसाहिब में ये मौका बहुत सख्त है और मैं सख्त मसाहिब पढ़ता नहीं हूँ मगर अपने इस मकसद के जाहिर करने के लिए वो मौका याद दिलाना ज़रूरी है कि जब आलम वो था कि अब राकिब दोश रसूल से पुश्त फरस खाली हो चुकी थी। मौला अब ज़मीन गर्म पर थे और ज़ख्मों से ऐसे निढाल थे कि फौज वालों में इख्तिलाफ था कि रूह जिस्म में है या रूह मुफारकत कर चुकी। तो इमाम के जहन को समझे हुए दुश्मन तक जो थे उन्होंने ये कहा कि हम बता दें एक तरकीब कि घोवों का रुख खेमों की तरफ कर दिया जाए। अगर जिंदा हैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बस अहले अज़ा घोवों का रुख खेमों की तरफ किया गया। अब हर साहिब फहम गौर करे कि खुद हुसैन की जात से खतरा दूर हो रहा है मगर टापों की सजा जरा दूर पर जो सुनाई दी तो एक दफा आंख खोली देखा खेमों का रुख उधर है तो कोहनियों पर जोर दे के बुलंद हुए और पुकार के कहा अभी मैं जिंदा हूं अभी मेरे खेमों से क्या मतलब। अब इसी माल के ऊपर कि आपके यहाँ बहुत महबूब शबी है बड़ी अकीदत मंदी से है जुलजिना की शबी जैसे घोड़े की शबी कहते हैं तो जुलजिना की शबी अरे कहाँ का शिर्क
और कहाँ की बिदत। ये तो कुछ यादें हैं और बखुदा हमने फकत इंसानों की याद नहीं कायम की है, बल्कि हैवान भी अगर हमारे मौला के काम आया। तो ये हक शनासी है कि हम उसकी भी याद कायम रखते हैं। भाई याद का जरिया है, यूं जाहिल अवाम हद से बह जाए वो गलत है, लेकिन ये कि असल में तो एक याद है, जिस याद को हम इस शक्ल में मजलिस के अंदर ताजा करते हैं, उसके हक को अदा करना। तो इसने जो कारनामा करबला में किया, और यह फरस की फरासत मशहूर है, खुसूसन वो फरस जो करबला के ऐसे जिहाद के लिए मुंतखब किया गया हो। तो जब तक मौला पुश्त पर रहे, बराबर शरीके जिहादे मौला रहा। अब जब उसने देखा कि अब मैं अपने राकिब की कोई खिदमत नहीं कर सकता, तो आखिरी खिदमत जो अंजाम दी वो ये कि अगर कोई मैदान में होता, और इसीलिए मैं उस रिवायत को नहीं कबूल करता, साफ साफ कहता हूं कि कोई बीबी हुसैन की जिंदगी में खेमे के बाहर थी, अगर कोई बीबी होती तो जुलजिना को खेमे के दरवाजे पर जाने की जरूरत न थी। बीबियां तो जहां हुसैन बिठा गए बैठी थी। बस आखिरी काम ये जो किया कि इधर देखा उधर देखा, कोई तो नजर ना आया, तो पेशानी खून हुसैन से रंगीन की, और अब सीधा दरे खेमा पर गया। और बस दो जुमले उसी वक्त एक आवाज बुलंद की, आप सुना करते मगर नतीजा नहीं निकालते, खेमे के दरवाजे पर भी कोई भवा नहीं आया। सकीना खेमे के दरवाजे पर आई, एक आगे घटी हुई है, तीन ढुला हुआ है, जब तीन पेवर से समझ गई खेमे के अंदर ही अरे मेरे बाबा के।